नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति ग्रह माना गया है। मंगल साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है। बता दें कि हर ग्रह एक निश्चित समय के बाद ग्रह गोचर करता है और उसका प्रभाव सभी राशि के जातकों के जीवन पर देखने को मिलता है। इस माह में 16 नवम्बर को मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बता दें कि मंगल की शुभ स्थिति से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है और साहस की प्राप्ति होती है। वहीं अगर व्यक्ति के जीवन में मंगल नीच या कमजोर स्थिति में होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में 1.5 माह का समय लगाते हैं। 16 नवम्बर सुबह 10:03 पर मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में कुछ राशि वालों को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। आइए जानते हैं कौन सी है वो राशियाँ। पहली है मेष राशि। मंगल के गोचर से करने से मेष राशि वालों को गाड़ी चलाते समय खास सावधान रहना होगा। इस दौरान रियल एस्टेट में लाभ हो सकता है। मंगल के वृश्चिक में प्रवेश करने से व्यक्ति को असहज स्थिति में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगा। वहीं अगर आप ज्योतिष या किसी इसी प्रकार के कार्य में लगे हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। मिथुन राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल के गोचर से मिथुन राशि वाले विरोधियों को शांत करेगा। इस समय जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं उनसे रूबरू होंगे। इस समय निवेश करने से आप परहेज करें वरना नुकसान हो सकता है। इस अवधि में पिता की सेहत का खास ख्याल रखें। पिता के साथ बहस करने से भी आपको बचना होगा। इसके बाद है सिंह राशि। मंगल ग्रह के वृश्चिक राशि में परिवर्तन करने से सिंह राशि वालों को नई कार मिल सकती है। आज अगर आप प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। माँ के साथ थोड़ा संभल कर रहें, बहस हो सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, इसीलिए थोड़ा संभल कर चलें। इसके बाद है कन्या राशि। बता दें कि कन्या राशि वालों के जीवन में मंगल के गोचर से साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का समर्थन या विरोध झेलना पड़ सकता है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, सेहत को लेकर कोताही ना करें। इसके बाद है तुला राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि वालों के लिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। मंगल आपके परिवार और बच्चों करियर से जुड़े चीज़ों में परेशान कर सकता है। हालांकि ये समय ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ बचत करने में सफलता मिलेगी। पिता की सेहत का ध्यान रखने की आपको जरूरत होगी। इतना ही नहीं, इस समय गाड़ी चलाते समय सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद है वृश्चिक राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का आपको मजबूत करेगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान खिलाड़ियों को भी फायदा होगा। मंगल के गोचर से आपके स्वभाव में गुस्सा और झगड़ालू बन सकते हैं। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हैं तो ये आक्रामकता आपके लिए काम आएगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।